और जब जब बड़ा मुकाबला होता है ऐसे ही दर्शक आप लोगों को देखने को मिलता है, चारों तरफ दर्शक खचाखच भरा हुआ और यहाँ पर बार बार अच्छी गेंद लगातार तीन डॉट गेंद। इंदर में क्या कहेंगे, जो जहाँ पे जाए अपना दबदबा बना के रखे। जी हाँ, दर्शक की काफी खुश है नीपू के प्रदर्शन से। और यहाँ पर अंपायर का निर्णय, अंपायर का जरा वाइड गेंद, और यहाँ पे फिल्डर मौजूद आतिक के बल्ले से एक रन अपने व्यक्तिगत खाते एक रन के साथ खुले। यहाँ पर बल्लेबाज आतिक, बहुत ही जाने माने खिलाड़ी इस्लाम नगर की, इक्का दुक्का इस बल्लेबाज के बल्ले से नहीं निकलता, अगर निकलता है तो सिर्फ छक्का और चौका, लेकिन देखते आज कैसे बल्लेबाज संभालते हैं। यहाँ पर दिलदार के तीन चार रन चौका और इस चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। हमेशा हवाई यात्रा पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। और नीपू द्वारा काफी अच्छा गेंदबाजी यहाँ पर, और इसी के साथ दिलदर के बल्ले से और एक रन, एक काफी लंबा गेंदबाज। और यहाँ पे और यहाँ पे उठा दी, यहाँ पर फाती पर फिर से मौजूद, दर्शक एक रन काफी खराब भरा हुआ क्योंकि हाई वोल्टेज मुकाबला यहाँ पर, और दर्शक काफी खुश। और यहाँ पे उठा दिया आतिक ने यहाँ पर गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर, छह रन के लिए वो वापसी कराए, और उसके साथ काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर आतिक के बल्ले से। जी हाँ, खूबसूरत बैटिंग का नजारा यहाँ पर बल्लेबाज ने, और सीधा विकेट कीपर के पास जाके पहुंचा, बल्लेबाज को आसानी से बीट किया। बार बार अच्छी गेंद डालते हुए यहाँ पर तारीफ करना पड़ेगा, गेंद विकेट झटकाना पड़ेगा, सात ओवर का इनिंग्स डाला जाएगा यहाँ पर। समझदारी दिखाते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज, सामने बल्लेबाज तैयार आतिक, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी। और यहाँ पे आतिक गेंदबाज की पहली गेंद पर उठा दिया सीधा बाउंड्री के बाहर, छह रन के लिए के साथ नीपू अपने मार्ग पर दूसरी ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार। और काफी जोर से बल्ला घुमाया कटारपुर स्टेडियम, जहां भी जाते हैं अपने साथ दर्शकों का पलटन लेके जाते हैं, उनके खेल देखने के लिए काफी दर्शक आते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी उनके टीम में शामिल रहते हैं और अच्छे गेंदबाजों ने काफी किफायती गेंदबाजी यहाँ पर नेतृत्व द्वारा बिल्कुल हाथ खोलने का मौका ही नहीं दे रहा है किसी भी बल्लेबाज को। अब इस टाइम पे नीपू की अगली गेंद सामने आती, आगे डाले हुई गेंद, बढ़िया गेंद, गुड गेंद डाले। आतिक नीपू की अगली गेंद, फील्ड गेंद सामने आती, काफी जोर से बल्ला घुमाया लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, लेग साइड की दिशा में खेल लेते एक रन के लिए सिर्फ। टीम को आज जो ऑन फील्ड अंपायर है, अगर उनको जरूरत होगा तो उस कप्तान से भी निर्णय ले सकते हैं, अपना खेल का तरीका पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी कि मैदान पर बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी मौजूद, आज कप्तानी का भूमिका निभाते हुए शहीद, जो खुद अच्छा काफी खतरनाक गेंदबाज, पहले ओवर में सिर्फ 8 रन दिए थे, बाएं हाथ का गेंदबाज और यहां पे उठा दिया, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्डिंग करेंगे एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को। आज बल्ला खा और यहाँ पर यह बल्लेबाज खामोश नहीं होने वाला, ये बल्लेबाज फिर बार बार बड़ा बड़ा शॉट लगाते हैं। शफीक भाई आशी नगर के होते हुए खेल रही है ये बल्लेबाज, और यहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से यहाँ पर खेले आशिक, सीधे बाउंड्री के बाहर, छह और फिर पीछे आके गेंद का पूरा फायदा उठा के नेक्स्ट साइड की दिशा में गेंद, फिर से काफी जोर से बल्ला घुमाया लेकिन यहाँ पर रन आउट का चांस और विकेट कीपर पकड़ नहीं पाए, हाथ पे गेंद बड़ा था, इसको लपकना चाहिए था लेकिन तकदीर का साथ नहीं यहाँ पर, और सही सलामत आउट पारी खेले थे। और ये बल्लेबाज काफी आगे कूद गए ऑलरेडी, अभी आए हैं पीछे, एक शॉट ऐसे लगा चुके हैं बड़े शॉट, लेकिन इस गेंद को लेग साइड की दिशा में खेले वहां पर कप्तान मौजूद, आज जो कप्तानी कर रहे हैं कटालपुर रिवर स्टार के मिस्टर शहीद, जाने माने ऑलराउंडर है, अंपायर के पास से ही लेते और रफ्तार से गेंद को डालते हैं, इस गेंदबाज की रफ्तार मानना पड़ेगा।
और यहाँ भी फुलटास गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर और नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा जाने में अंपायर और क्रिकेट चक्कर भी खाते सीधा बाउंड्री के बाहर छह रन के लिए और इस छह के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन अपनी टीम के 8 ओवर का ही मुकाबला और उसके बाद बहुत सारे विकेट पीछे पड़े हुए शाहीन आने वाला है बल्लेबाजी में शायद और फिर से हैट्रिक चक्कर यहाँ पर आतिक के बल्ले से और इस छह के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन नहीं भाई लोकल में दोनों इस्लाम नगर के दोनों खिलाड़ी सफी शहीद को काफी खेले आती दोनों बाली बार जी जी जरूर खेत छोड़ा तो मैच छोड़े इस तरीके का हो सकता है और यहाँ पर फिर यहाँ पर 51 काफी खुद कप्तान यहाँ पर गेंद में संभालते हुए और यहाँ पर 20 गेंद को भी बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन सीधे दौड़ते हुए स्ट्राइक समझ रहे थे गेंद के लिए उनको और गेंद को और जैसे ही मौका मिला हुआ कीपर और सामने आती लेकिन क्वार्टर फाइनल में कप्तान ने इसी खिलाड़ी को लेकर आया और इसी का फायदा उठा दिया बल्लेबाज और यहाँ पे हेलीकॉप्टर मिनी हेलीकॉप्टर लगाना चाहते थे लेकिन सीधा खिलाड़ी के पास दिलदार जो काफी जाने माने बल्लेबाज है अभी तक खामोश रखने में सक्षम हुए इलेवन स्टार के क्रियल से सभी गेंदबाजों को जानते हैं इस तरीके के गेंदबाजी करते हैं और आतिक शहीद के साथ खेलते हुए बड़े हुए इसलिए उनको काफी अच्छी से जानते हैं और आज लगाए उनके ओवर में चार बड़े शॉट काफी लंबे लंबे शॉट को वापस बुला रहे हैं अगर एक विकेट पर बीट होते एक गेंद पर तो दूसरी गेंद पे हाथ हाथ से खेल के स्ट्राइक पर लेके आते आतिक को और इसी के साथ थोड़ा घबराते हैं और इसी के बाद उनको लगता है कि आज मौका मिला तो फिर अपना बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाए जी हाँ बिल्कुल उसी का आगाज जैसे खेत उठाने देखा पहले काफी खुश खामोश था लेकिन जैसे ही खेत उठा तो मानो पटक से गियर बदल लिया है यहाँ पर जी अच्छा गेंदबाजी करते हैं लेकिन कभी कभी गेंदबाज का कभी कभी गेंदबाजी खराब दिन रहता है और इसी के साथ यहाँ पर दोनों की पहली बार जो दो ओवर में 41 रन दिए गेंदबाजों ने और यहाँ पर आसानी से चार मिलेगा कभी का क्या कहेंगे जी हाँ बिल्कुल जोर से मारने की कोशिश हल्का सा कोई विकेट का पतन नहीं अभी तक गेंदबाजी करा रहे थे एक एक ओवर रख के देते तो आखिरी समय पर ये सब रन नहीं आता और यहाँ पर हवा पर उठा दे इस बार आसानी से मुझे लगता है कैच पकड़ लेंगे और इस बार कैच पकड़ने से कोई फायदा नहीं क्योंकि उस दिन भी देखने को मिला था और यहाँ पे फील्डर मौजूद जब तक फील्डिंग करेंगे तब तक एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा और उसी और यहाँ पे फील्डर मौजूद दिलदार और यहाँ पे रन आउट आसानी से हो जाएंगे काफी खराब तालमेल और आखिरी समय इसलिए दौड़ते हुए और यहाँ पे ओवर की समाप्ति और यहाँ पे पहली गेंद पहली गेंद पर ऊपर यहाँ पर काफी जोर से निशाना लगाते हुए अपने काफी जबरदस्त तरीके से दूसरे मुकाबले में अपनी टीम को जीत हासिल कराए थे और विकी की गेंद सामने और जॉय थोड़ा खराब फील्डिंग का नजारा गेंद था उसका फायदा उठाना चाहिए था पावर प्ले चल रहे लेकिन कन्हैया काफी निराश रहेंगे इस वजह से फुलटॉस गेंद से आउट होकर प्रेजेंट लौट गए उसके बाद बढ़िया गेंद लेगा चौका और वो से खिलाड़ी जो खिलाड़ी गेंद के दिशा से खेलते वो खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी खेल जाते हैं ज्यादातर गेंद को पिक करना जानते हैं दो बल्लेबाज और इसी के साथ एक रन के दिक्कत से काम नहीं चलेगा बड़े शॉट लगाने की जरूरत अजय इस टाइप के और यहाँ पे उठा गया छह रन काफी अच्छी जबरदस्त पिक किया और शिक्षक के साथ इसको की गई तरफ से ज्यादातर खेलता है और
और के बाहर उठा दी छह रन के लिए और इस के साथ इस बल्लेबाज ने खेले थे और उसी के साथ डॉगो ने काफी अच्छा प्रदर्शन किए थे मैक्सवेल। ये अच्छी गेंद नहीं बुरी गेंद और फरहान की अगली गेंद सामने है मैक्सवेल और यहाँ पे थोड़ा दबाव भी होंगे फरहान सामने मैक्सवेल फिर से दिया हैट्रिक चांस लेकिन आपको लग गया यार सामने मैक्सवेल और यहाँ पे फिर से उठा दिया दर्शक का आप शुक्रिया अदा करते हैं बड़ा हुआ दर्शक आज का खेल का आनंद उठाते हुए चारों तरफ और में आता दिए थे और यहाँ पे सामने खिलाड़ी मौजूद और जाए पहले से ही हवाई फायर जी हाँ सलमान 33 रन में 5 छक्के शामिल है जिसमें 30 रन बन गए एक और सिंगल और एक्स्ट्रास में सिर्फ 3 ही रन आए बड़े जॉब पे टीम और वो अभी फ्री हिट के खेलेंगे और फ्री गेम पे उठा दिया लेकिन यहाँ पे फील्डर मौजूद जब तक फील्डिंग करेंगे तब तक एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और उसी एक रन के साथ स्कोर अपना बल्ला चला रहे हैं। जी हाँ इस तरीके से बल्लेबाजी करना पड़ेगा अगर इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं और सेमीफाइनल में पहुंचना और जिस तरीके से गेंदबाज अपना जश्न मना रहे हैं इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं और जीते अपना अच्छी तरीके से अपना गेंदबाजी करने की कोशिश दोनों तरफ से पूरा जमा हुआ है मैच बढ़िया कप्तानी कहेंगे जिस गेंदबाज ने विकेट लिया उसी को फिर लेके आए और अभी सेफ बैट्समैन को वापस भेजे है प्रेविलियन बैकफुट पे धकेल दिया है कटानपुर इंग्लिस्टर को और नायन आते ही बल्ला चलाया लेकिन बल्ले पे गेंद गया है ठीक से और शाहिद भाई अगर आपका बल्ले इंग्लैंड वाले एक पे जा रहे थे एक भी बड़ा शॉट नहीं लगाया इसके बावजूद भी स्कोर पहुंच गया 85 रन पर और यहाँ पे और फिर से और एक चांस बन सकता था शायद लेकिन जब पकड़ नहीं पाई यहाँ पर विकेट कीपर काफी खराब 14 ओवर लेके आए शाहनवाज सामने है मैक्सवेल जो बड़े शॉट पे डील कर रहे हैं आज और काफी जोर से बल्ला घुमा है लेकिन गेंद बल्ले पे आए नहीं आज कुछ जनमंगल के खिलाड़ी है आज खेल रहे हैं शादी शाहिद इलेवन के तरफ से मारे हैं वापसी करते ही अग्नि लेकिन इस बार फिर से शाहनवाज की गेंद और यहाँ पर काफी तेजी से भागती है और यहाँ पे दो रन 36 रन छक्के में रोमांचक मुकाबला और मनोहर गेंदबाज में सामने मैक्सवेल और यहाँ पे फिर से यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश लेकिन नहीं पाए इसी के साथ और एक बार और स्ट्राइक पर नयन बड़ा शॉट की जरूरत और यहाँ पे बिल्कुल उठा दिया ऊपर गेंद से दर्शक का बड़ा अच्छा फील्डर और इसी खेल के साथ विशाल गेंद वाइड गेंद कितने बढ़िया बढ़िया बाजी कर रहे थे अपने टीम के लिए और अभी कर रहे हैं मैक्सवेल एक के बाद एक बड़े शॉट लगाते जा रहे हैं और फिर से जबरदस्त और
गुजारिश किया जा रहा है मैच को चलाए आतिक लेके आए चेती ओवर सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे कठोलपुर यूनिवर्सिटी और यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर गेंद लेकिन यहाँ पर आसानी से कैच लेके आउट 80 रन की जरूरत बड़ा शॉट लाके शायद मैच को फिनिश करेंगे और इस बार उठा लिया सीधे बड़े बड़े 6 रन के लिए और अपनी टीम को जीत हासिल करेंगे सेमीफाइनल